कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? हाय फ्रेंड्स, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर दो लोगों को आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो उसके लिए कीवर्ड क्या है। वेल, हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन इज द की टू एनी लॉक्स। इट कैन ओपन एनी ऑफ दोज लॉक्स व्हिच हैव बीन लॉक्ड फॉर सो लॉन्ग। यस, इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, फॉर मी इट इज अ ब्रिज जो दो लोगों के रिलेशनशिप्स में एक रास्ता बनाता है सो दैट वो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ सके। और दूसरी तरफ देखूं तो कम्युनिकेशन, अरे इसमें तो वर्ड में ही इतनी मैजिकल बात छुपी है। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं ना तो हमें दो लोग मिलते हैं, यू एंड आई। कभी कम्युनिकेशन की स्पेलिंग को ब्रेक करके देखना, आपको यू एंड आई मिल जाएगा। यस, इट्स ऑल अबाउट यू एंड आई। हम एक दूसरे से किस तरह बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के रिएक्शंस को, रिलेशनशिप्स को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो है हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन से। जैसे कि मैंने अभी बोला, ये एक ब्रिज की तरह काम करती है। कई बार ना बोलने की वजह से, कई बार कुछ एक हिच या हेजिटेशन की वजह से हम रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है पहले आप, पहले आप। बट दिस डज नॉट हैपन एंड इट डज नॉट वर्क वेल। व्हाट वर्क्स इज टेकिंग दैट फर्स्ट इनिशिएटिव, टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। नहीं, ऐसे ही होता है ना? और अगर एक मान जाता है या मना लेता है तो बात ख़त्म हो जाती है। ये तो हम बात कर रहे थे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम क्या कर सकते हैं, कैसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन। क्या कभी आपने सोचा है अपने आप से बात करना कितना ज़रूरी है? या आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मेरी खुद से कम्युनिकेशन कितनी है, मैं खुद से कितनी बात करती हूँ। और अगर अभी भी आपने खुद से बात करनी शुरू नहीं की है तो गड़बड़ है भाई। यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू विल हैव टू टॉक टू योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर टॉकिंग टू एनीबडी आउट देयर। क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, आप एक इंट्रोस्पेक्शन मोड पर होते हैं। व्हेन यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, व्हेन योर डिसीजन मेकिंग्स बिकम बेटर, व्हेन यू एज अ पर्सन इवॉल्व्स बेटर, When you as a person knows yourself, और ये सब तभी possible है जब आप अपने आप से बात करना सीखेंगे। बहुत से लोगों की ये को कहते हुए मैंने ये सुना है that we don't get time enough, खुद से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे इतना time निकाल सकते हैं। खुद से बात करना ना सबसे easy होता है। आप कहीं भी हैं, travel कर रहे हैं, commute कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, washroom जा रहे हैं, बेड पर लेटे हैं, सोने से पहले, उठने के इमीडिएटली बाद, वो आपका टाइम होता है। यूटिलाइज इट टू टॉक इट टू योरसेल्फ। पहले अपने आप से बात करो, पहले अपनी बात की वेटेज को देखो, एंड देन इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, इट हैज मोर वेटेज, इट हैज मोर माइलेज, इट हैज much more authenticity and it leaves you more credible. तो अगर आप अपनी credibility, अपनी authenticity, अपनी brevity की बात करते हैं, communication से better कुछ नहीं है। जी हाँ, अपने आप से communication करने में या intrapersonal relation जो आपका खुद से रिश्ता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। And that is why they say it is so important to evolve. When you talk to yourself, you do that pretty well. Thank you. See you in the next episode.